एसोसिएशंस हैं, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लीकेशन फाइल करी है कि ये नंबर ना डिस्क्लोज किया जाए और हमको सुना जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और ये सब लोगों को जब हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो ये सबको नोटिस पर डाल दिया था, जब 2019 में इंटरिम ऑर्डर पास किया था, कि भाई ये डिटेल्स, डोनर डिटेल्स सब डिस्क्लोज करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें।